साइबर सिटी गुरुग्राम में कलयुगी बाप द्वारा अपनी 13 वर्षीय मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। नशे में धुत कलयुगी बाप ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही 13 वर्षीय मासूम ने शोर मचाया, वैसे ही आरोपी बाप वहां से फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी की पत्नी की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। सर, एक पोस्टमार्टम का मामला है डीएलएफ फेज 3 में, क्या है सर पूरा मामला? गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन डीएलएफ फेज 3 में 26 अप्रैल 2019 को एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ, बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत, 4 पॉक्सो एक्ट और 323 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जो लड़की की मां के बयान के ऊपर ये मामला दर्ज किया गया है। लड़की की मां जब नीचे आई तो देखा कि कुछ चीखने की आवाज़ें आ रही थी, जिस कारण लड़की की मां ने दरवाजे को लात मार करके खोल करके देखा तो बच्चे का पिता ही उस बच्चे के साथ आपत्तिजनक अवस्था में था, जो इस बात को लेकर जब उसकी बच्चे की मां ने शोर किया तो उसने उसके सिर में भी बोतल मारी, जो कल उस बच्चे की मां द्वारा बयान दिए जाने पर ये मामला दर्ज किया गया है। अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके लिए स्पेशल टीम लगा दी गई है और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी। क्या नशे में था ये? सारा का सारा गिरफ्तारी के समय जो है क्लियर हो पाएगा और इसमें थोरोली जो इंटरोगेशन है और इन्वेस्टिगेशन है की जाए। सर, कितने समय से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था? क्या पहली बार ही इस तरह की दुष्कर्म सामने? पहले ये अभी जो रिपोर्टेड हुआ है उसको दर्ज किया गया है और इसके अलावा जो है सारा का सारा थोरोली इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन सारा मामला सामने। ठीक।